हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्रिटिकल और ट्रांजिशनल टेम्परेचर। ट्रांजिशनल टेम्परेचर जो है इसी बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये सुपर कंडक्टिविटी का मेन टॉपिक है। क्रिटिकल और द ट्रांजिशनल टेम्परेचर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ट्रांजिशनल टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच The transition of a normal metal to a superconducting state take place on cooling in the absence of magnetic field is called critical temperature or the transitional temperature. It is represented by TC. इसमें कई टर्मोलॉजिकल वर्ड्स आए हैं जो कि आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि टेम्परेचर जो है बात करी जा रही है, यानी कि एक तापमान जिसमें ट्रांजिशन होती। ट्रांजिशन मींस सुपर कंडक्टिविटी से जो है नॉर्मल स्टेट या नॉर्मल स्टेट से उसकी बात करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी से नॉर्मल कंडक्टर। नॉर्मल कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रहता है, सुपर कंडक्टिविटी में नहीं होता। तो सुपर, जब अगर आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को लें और उनसे ठंडा करते चले जाएँ, एबसेंट इन द एबसेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस सुपर कंडक्टिंग मटीरियल बन जाता है। जिस टेम्परेचर पे वो ठंडा करने पे सुपर कंडक्टिविटी बनता है उससे TC बोलते हैं, यानी कि ट्रांजिशनल टेम्परेचर TC। जिन्हें सही से समझ नहीं आ रहा है वो मेरी प्रीवियस क्लिप देखें जिसमें मैंने सुपर कंडक्टिविटी के बारे में अच्छे से समझाया है। दूसरा पैरामीटर है क्रिटिकल पैरामीटर ऑफ अ सुपर कंडक्टिविटी और अफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है सुपर कंडक्टिविटी पे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। द टेम्परेचर एट विच द कंडक्टर बिकम सुपर कंडक्टर इज नोन एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये ऑलरेडी मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया भी है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं जब हम उसे, और द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, इसे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या कहेंगे। द फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सुपर कंडक्टर इन टू अ कंडक्टर इज नोन एज द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लगाने से जिससे सुपर कंडक्टर जो है वापस कंडक्टर बन जाए। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, यानी कि सुपर कंडक्टर जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, सुपर कंडक्टर जो है वापस कंडक्टर बन जाएगा, यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा, उस फील्ड को हम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसे HC से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये HC जो है ये सुपर कंडक्टर फर्स्ट टाइप में एक होता है और HC 1 एंड HC 2 जो सुपर कंडक्टर टाइप 2 यानी हार्ड सुपर कंडक्टर में दो होते हैं। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इज HC। द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैक्सिमम करंट इन अ वायर ऑफ द सुपर कंडक्टर मटीरियल बिकॉज द करंट इटसेल्फ जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द एम्पेयर लॉ। ये ऑलरेडी मैं एम्पेयर लॉ एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने प्रीवियस क्लिप्स में। इसमें ये बात बताया जा रहा है कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से होता क्या है। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इम्प्लाइज करता है कि करंट कितना जनरेट जो सुपर कंडक्टर में से पास कर सकते हैं। सुपर कंडक्टर में से जैसे जैसे आप मैग्नेटिक मतलब करंट पास करेंगे ज़्यादा, तो उससे ऑटोमेटिक जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उससे ये होता है कि आप जो हैं सुपर कंडक्टर जो है वापस कंडक्टर बन जाए, यानी कि मैक्सिमम करंट आपकी मैक्सिमम परमिट कंडक्टर की सुपर कंडक्टर की लिमिट ये आइडेंटिफाई करता है, यानी कितनी मैक्सिमम करंट आप भेज सकते हैं सुपर कंडक्टर में से जिससे कि वो वापस सुपर कंडक्टर जो है कंडक्टर ना बन जाए, तो इतना आप भेज सकते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मैं फिर से बताता हूँ। द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द
maximum current reservoir of the superconductor material because the current itself generate the magnetic field according to Ampere's law. Ampere law से ये पता चलता है. So the maximum current is IC ampere. आप कितना भेज सकते हैं. सुपर कंडक्टिविटी ऑफ अ मटीरियल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ये जो सुपर कंडक्टिविटी है वो डिपेंड किस पर, टेम्परेचर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द मेटल इज प्लेस. जहाँ पर आपने मेटल प्लेस करा है उसमें कितना टेम्परेचर है और स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का, ये डिपेंड करता है. सुपर कंडक्टिविटी डिसअपेयर होगा, इट गेट यू कैन से सुपर कंडक्टिविटी डिसअपेयर इफ द टेम्परेचर ऑफ द स्पेसिमेन इज रेज अबव द HTC यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर अबव करेंगे आप तो सुपर कंडक्टिविटी वापस कंडक्टर बन जाएगा एंड द मटेरियल इज इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो एब्सेंट खत्म हो जाएगी. तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए कि अगर टेम्परेचर रेज किया आपने तो सुपर कंडक्टिविटी जो हो रही है सुपर कंडक्टर में वो ख़त्म हो जाएगी. व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, मैग्नेटिक फील्ड की जितनी है, मैग्नेटिक फील्ड जिसे नहीं मालूम है वो मैग्नेटिक फील्ड का मेरा प्रीवियस क्लिप देखे उसमें मैग्नेटिक फील्ड उसे समझ आएगा. व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ क्रिटिकल HC द सुपर कंडक्टिविटी डिसअपेयर, यानी सुपर कंडक्टिविटी डिसअपेयर हो जाएगी. अगर सुपर कंडक्टिविटी आपको समझ नहीं आती है तो आप मेरी प्रीवियस क्लिप देखें जिसमें सुपर कंडक्टर के बारे में मैंने समझाया है. द डिपेंडेंस ऑफ द क्रिटिकल फील्ड डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर इज गिवन बाय, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गिवन होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. HC यानी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट जीरो ब्रैकेट वन माइनस टी अपॉन TC. टी यानी टी टेम्परेचर है और TC मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर. ये क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वेरी करता है सब्सटेंस टू सब्सटेंस. इसमें जौन सा सब्सटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग मर्करी का है उसका है 4. मर्करी यानी मर्करिक जिसमें दो इलेक्ट्रॉन मैक्रोस नहीं, तो जिसमें जो सब्सटेंस है उसका अलग अलग का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है तो ये अकॉर्डिंगली वेरी करेगा और उसका TC जो है एट जीरो पे कितना है और TC जो है मैक्सिमम पर. ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत आते हैं तो ये आपको मालूम होने चाहिए. इसका रिप्रेजेंटेशन आप अगर ग्राफली देखना चाहते हैं तो इस तरीके से वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द टेम्परेचर इज गिवन बिलो. इसमें आप देखेंगे यहाँ सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर मीन सुपर कंडक्टिविटी और ये नॉर्मल स्टेट है. ये फर्स्ट टाइप सुपर कंडक्टर के बारे में बात करें, सुपर कंडक्टर फर्स्ट टाइप जिसके अंदर द टोटल मेजरनर इफेक्ट जो है ओबे करता है उसे सुपर कंडक्टर वन टाइप या आप ये भी कह सकते हैं सॉफ्ट सुपर कंडक्टर कहा जाता है. अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर से पढ़ाएंगे तो सुपर कंडक्टर जो है आपका नॉर्मल बन जाएगा यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और अगर उसे लो रखेंगे तो ये रीजन दिखा रहा है जो मैं रेड कलर्स में दिखा रहा हूँ ये सुपर कंडक्टिविटी में रहेगा. सेकंड टाइप जो सुपर कंडक्टर है वो दूसरे फिगर में है. यहाँ पर ये कंडक्टर बनता है इस रीजन में. सुपर कंडक्टर सेकंड टाइप मीन्स आपका विच डू नॉट ओबे द मेसनर इफेक्ट परफेक्टली, यानी जो मेसनर इफेक्ट पूरा एक्सेप्ट नहीं करता है उसे हम जो है सुपर कंडक्टर सेकेंड टाइप कहते हैं या फिर हार्ड सुपर कंडक्टर. हार्ड सुपर कंडक्टर वो हैं जो कि आपके एलॉय ज़्यादातर हैं इसमें, और जो फर्स्ट टाइप सुपर कंडक्टर यानी कि येलो जो है इसमें प्योर कंडक्टर आते हैं, प्योर कंडक्टर यानी प्योर मेटल आते हैं. तो ये इसमें दो HC1 एंड HC2 है, ये ऑलरेडी मैं बताया था. ट्रांजिशनल टेम्परेचर लोअर, ट्रांजिशनल टेम्परेचर लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एंड अपर
क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, इसमें टीसी जो है टेम्परेचर है, ट्रांजिशनल टेम्परेचर। इसमें मिडिल पोर्शन में यहाँ पर जो है मिक्स स्टेट है, ये जो मैं ब्लैक कलर में दिखा रहा हूँ, मैं रब करके समझाता हूँ आपको। यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये तो नॉर्मल कंडक्टर का है, ये रीजन जो है मिक्स स्टेट है, रेड कलर से दिखाते हैं इसे। इस पोर्शन इज दिस रीजन वर्टेक्स रीजन कहते हैं इसे। इसके अंदर जो है आपका मिक्स यानी टेम्परेचर यानी कुछ रेजिस्टेंस रहेगा कुछ नहीं रहेगा, और सुपर कंडक्टर ये अलग कंडीशन। सुपर कंडक्टर होगा जिसमें रेजिस्टेंस होगा ही नहीं वायर में, तो इस रीजन में अगर चलाएंगे हम लो टेम्परेचर और लो करंट पे चलाएंगे तो जो टेम्परेचर या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो सुपर कंडक्टिविटी में चलता है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते चलाएंगे इलेक्ट्रिक करंट तो उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड अपने ही जनरेट हो जाएगा और ये रेड पोर्शन में आ जाएगा जहाँ पर अभी मैंने ये दिखाया आपको, ये पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा और मिक्स स्टेट चल पाएगी। और अगर आप करंट बढ़ाते रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अपर मैग्नेटिक फील्ड से अबव चले जाएगा और ये जो है ब्लैक पोर्शन यानी कि नॉर्मल कंडक्टर में आ जाएगा। इसे आप और अच्छे से अगर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप मेरा सुपर कंडक्टर ऑफ वन टाइप और सेकंड टाइप वाली क्लिप देखें, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, थैंक यू, और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फिजिक्स फॉर यू। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे और दिन ब दिन आपका फिजिक्स इम्प्रूव होता चला जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।